ऐसा उभरता हुआ सितारा ये शेर सिंह राणा, इसके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामना आप सबको आज के दिन के लिए। आपने जो आयोजन किया ये हमारा इतिहास को दोहराने का काम है और जिस समाज का, जिस व्यक्ति का, जिस जाति का, समाज का इतिहास गायब कर दो वो समाज, व्यक्ति, परिवार धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाता है। मैं आप सबको आयोजकों को साधुवाद और शुभकामना देता हूँ कि अपने उस स्वर्णिम इतिहास को पुनः स्थापित करने के लिए आप समय समय पर ऐसे कार्यक्रम करते हैं, इसलिए आप साधुवाद के पात्र हैं। दूसरा, आपसे एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि क्षत्रिय धर्म का पालन और क्षत्रिय की पहचान, शास्त्र और शस्त्र दोनों धर्म जो धारण करता वो क्षत्रिय कहलाता है। और हमारे यहाँ केवल राजपूत समाज का ही गौरव नहीं, संपूर्ण हिंदू समाज का गौरव, हम सबका गौरव मान्य है। सिरे दरबार साहब विराजे हैं, तो एक इतिहास की बहुत बड़ी डिक्शनरी है जिन्होंने अपने इतिहास को इस प्रकार से संवारा है। मेरी भी ऐसी इच्छा है कि आप लोग अपने परिवार, समाज और अपने पुरखों का इतिहास अपने बच्चों को इसी प्रकार बताएं, जिससे वो अपने सोए हुए स्वाभिमान को जगाए रखें, खुद को पहचाने मैं कौन हूँ। और इसी तमन्ना और आशा के साथ में आप सबसे निवेदन करूँगा कि आप भी अपने स्वाभिमान को जगाने के लिए सुबह उठते ही अपनी छाती पर हाथ रख करके एक स्वाभिमान की दृष्टि से देखना कि मैं कोई सामान्य प्राणी नहीं हूँ, मैं क्षत्रियोचित एक ऐसे कुलीन परिवार में, संक्रांत समाज में पैदा हुआ हूँ, इसकी आन पान शान मुझे सदा कायम रखनी है, इसका मेरे ऊपर जिम्मा है। ये भाव यदि आप लेकर के चलेंगे तो निश्चय ही समाज का गौरव सदा बढ़ता रहेगा। संत के नाते पुनः आप सबको साधुवाद और शुभकामना देता हूँ। सारांश में ये कहूँगा कि अपने इतिहास को कभी भूलना नहीं है, याद रखना है और नया इतिहास गढ़ने के लिए खुद को स्वाभिमान के साथ में आगे बढ़ाना। सभी मंचासीन अतिथियों का बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने अपने अपने क्षेत्र में बहुत कुछ किया है, तब आज आप समाज के एक मूंगे मेहमान और एक माणक जैसे मोती के समान आप दीप्यमान हो, यही आपके लिए दुआ और शुभकामनाएं। आयोजकों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और क्षमा चाहता हूँ कि मुझे कहीं और किसी कार्यक्रम में समय पर पहुँचना है, विलम्ब से कुछ कार्यक्रम अपना शुरू हुआ। मैं आपके बीच से अभी विदाई चाहूँगा और फिर कभी ऐसा अवसर मिला तो खूब सारी चर्चा करेंगे और कुछ सोचेंगे। हम सब लोग मिलकर के एक नया चिंतन और सृजन करें जिससे इतिहास में एक और नई दीपक जले। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुदेव को प्रणाम, बहुत बहुत।